नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष विद योग बात शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे चार मूलांक वाले लोगों के बारे में। चार मूलांक उन लोगों का होता है जो किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को पैदा होते हैं। इस वीडियो में हम उनके स्वास्थ्य की बात करेंगे, धन अर्थ की बात करेंगे, व्यवसाय की बात करेंगे, प्रेम संबंध की बात करेंगे और कुछ ऐसे उपचारों की भी चर्चा करेंगे जो जीवन भर अगर वो करते रहेंगे तो उनकी कोई भी समस्या उनको परेशान नहीं कर पाएगी। चार मूलांक जो राहु से प्रभावित होता है, अंक ज्योतिष में इस अंक को सबसे ज्यादा प्रभावी अंक माना जाता है। कहा जाता है यह अंक ऊंचाइयों की श्रेष्ठता भी प्राप्त करता है और पीड़ा और कष्ट को भी खूब महसूस करता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि चार मूलांक वाले लोग एक जुनूनी होते हैं। कई बार इनका जुनून इतना ज्यादा होता है कि सामने वाले को लगता है कि आदमी मानसिक रूप से कहीं अस्थिर तो नहीं है। जीवन में इनका कोई खास रिश्तेदार या खास रिश्ता इनसे दूर होता है। कई बार यह माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में या प्रेम के संबंध के रूप में यह रिश्ता कई बार इनसे दूर होता है। जिस रिश्ते की चहक और महक इनके हृदय में इनको पीड़ा प्रदान करती रहती है। ऐसे लोगों को हमने देखा है कि सहज रूप से छोटे या बड़े किसी न किसी नशे की आदत होती है। कुछ नहीं तो चाय की आदत होगी, अगर कुछ नहीं होगा तो ये लोग स्मोकिंग, ड्रिंक या नॉनवेज के शौकीन होते हैं। इनमें से किसी न किसी चीज की थोड़ी सी आदत इनको जीवन में प्राप्त होती है। इन आदतों के नाते कई बार इन्फेक्शन, एलर्जी, एसिडिटी की भी दिक्कत इनके जीवन में देखी जाती है। चेहरे पर, स्किन पर थोड़ा बहुत दाग होने की भी संभावना इनके जीवन में आती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो माता पिता या पत्नी में किसी न किसी के साथ इनका वैचारिक मतभेद देखा जाता है। एक छत के नीचे कई बार रहने के बाद भी आपस में थोड़ी सी दूरी भी पाई जाती है। संतान की दृष्टि से देखा जाए तो संतान का सुख प्राप्त होता है, लेकिन इनको अपनी संतान, मनचाही संतान पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार ये लोग धार्मिक या अनुष्ठान या पूजा पाठ या चिकित्सा के माध्यम से ही जाकर संतान सुख को प्राप्त कर पाते हैं। जीवन साथी कई बार इनसे थोड़ा सा दूर रहता है या दूरी किसी व्यवसाय के नाते, किसी प्रोफेशन के नाते, किसी नौकरी के नाते। मैंने तो कई बार यहाँ तक देखा है कि पति या पत्नी में कोई 12 घंटे ड्यूटी के नाते दूर है या विदेश है या वैचारिक मतभेद के नाते दूर है। दिन में ये लोग एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी की स्थिति बनती रहती है। ऐसे लोग 2 से 3 कार्यों को करने वाले होते हैं। इनको 2 से 3 चीजों की समझ होती है। अपने कार्यों की समझ की गहराई इतनी अच्छी होती है, लेकिन जब ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, इनका मन उदास हो जाए तो सब काम को सही से नहीं कर पाते। उस कारण से कई बार ये मौके पे चीजें नहीं बोल पाते। कई बार अपने दोस्तों का साथ देना भी चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते। राहु अगर कुंडली में कमजोर हो या सूर्य कमजोर हो तो कॉन्फिडेंस लेवल भी कमजोर होता है। ऐसे तो ये बिना टोके रोके अगर किसी कार्य को करें तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब एक साथ कई लोग इनके ऊपर प्रभाव डालते हैं तो हमने देखा ये कंफ्यूज या परेशान हो जाते हैं और फाइनली वो कार्य कर गुजरते हैं जिसको सामने वाले से कोई एक्सपेक्ट ही नहीं होती। इस कारण से कई बार इनके दोस्तों के मन में इनके प्रति एक निगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। जीवन में हमने देखा है कि 24वां 25वां वर्ष विशेष प्रभावशाली होता है। ऐसे तो 40 साल के बाद इनके जीवन में वो सारी चीजें इनको प्राप्त होने लगती हैं, घर, गाड़ी, यश, कीर्ति सब। जीवन में विवाद से भी इनका नाता होता है। अगर फीमेल है तो पारिवारिक या प्रेम जीवन में विवाद या रास्ते में आते जाते चीजों को लेकर विवाद। मेल की कुंडलियों में कई बार मैंने देखा है या जिनका मूलांक 4 हो राहु प्रभावित, तो पुलिस थाने या विवाद या दोस्तों में कभी बार लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहती। अगर ये पार्टनरशिप का कोई काम करते हैं तो कई बार इनका पैसा डूबता है या नहीं बचता है। धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं करना इनको पसंद आता है। घर के आसपास मंदिर होना,
घर के आसपास कोई धार्मिक स्थल होना या नाला होना या कोई विद्यालय या स्कूल होने की पूरी संभावना होती है। इन लोगों के घर का एक खर्चा कई बार मेडिकल पे जाता है, इस स्थिति में इनको चाहिए सूर्य की उपासना करें। अगर सूर्य की उपासना करते हैं या घर में कोई मेडिकल से जुड़ा व्यक्ति होता है तो इनको कहीं न कहीं से मेडिकल का वो नुकसान नहीं होता, नहीं तो इनको मेडिकल से संबंधित खर्च करना पड़ता है। इससे अगर इनको बचना हो तो क्या करें, हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल के बाहर जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है उनको कुछ न कुछ वो जरूर दे कर आए। इनको जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। अगर ये रक्तदान नहीं करते हैं तो ऑपरेशन, फोड़े या कोई ऐसी बीमारी होती है जिससे इनका रक्त बाहर ज्यादा से ज्यादा निकलता है, तो इनको जीवन में चाहिए कि इनको रक्तदान करना चाहिए। अगर प्रोफेशन की दृष्टि से कहा जाए तो प्रोफेशन की दृष्टि से मीडिया और आज के टाइम में यूट्यूबर्स, आज के टाइम पे मेडिकल, क्योंकि मशीनों का काम है, जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। अगर टीचिंग भी टेक्नोलॉजी से हो रही है तो उन सब में 4 नंबर इस समय पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मैंने देखा है बड़े बड़े ब्लॉगर्स, बड़े बड़े कैमरामैन सब 4 नंबर से प्रभावित है। तो मित्रों, आज हमने 4 नंबर के बारे में संक्षिप्त वार्ता की। अगर आपको ज्योतिष सीखना है, कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अमूल्य कमेंट्स जरूर डालें। जय श्री राधे।